तो चलिए भाई अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर आपने देख लियोगे, मेरे को ऐसी आशा है, और देखने भी चाहिए भाई। मैं अगर बना रहा हूँ तो आपका कर्म, मेरा कर्म क्या है कि मुझे बनाने हैं लेक्चर्स, और आपका कर्म क्या है कि आपको देखने हैं। चलो आगे बात करते हैं आज कुछ कंट्रीज़ की। हमने पिछले में देखा था यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये सारी चीज़ें देख ली थी। डेनमार्क, किसके डेनमार्क के अंडर कौन आता है, ग्रीनलैंड आता है, ये देख लिया था हमने। नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए एक बार। आज आगे बात करते हैं कि कुछ कंट्रीज़ के समूह को कुछ कहते हैं, वो देखना है हमें। देखिए यहाँ पे तीन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अब मेरे साथ कंट्रीज़ करते जाओ, आप याद भी कर लोगे उन्हें, ठीक है भाई। अभी नॉर्वे को कैसे याद करें? नॉर्वे के पास ही जो सारा समुद्र लगता है उसको ही क्या कहा गया है, नॉर्वेन सी। लेकिन देखा जाए तो ये सारा क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है ये सारा। लेकिन जो इसका छोटा सा हिस्सा है पानी का, मैंने एक दिन बताया था समुद्र जो सी होते हैं वो छोटे होते हैं ओशन से, तो इसका एक छोटा हिस्सा ले लिया पूरे ओशन का, और उसको क्या कह दिया, क्योंकि नॉर्वे कंट्री के पास लाई करता है तो नॉर्वियन सी, तो इस कंट्री के नाम के ऊपर क्या पड़ा है, नॉर्वियन सी। तो ये कंट्री आपने देख ली, एक नॉर्वे है, एक स्वीडन है और एक फिनलैंड है। ये नॉर्वे ऊपर से जाके फिनलैंड पे भी टच हो रहा है, इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखिए अगली बात समझते हैं। इन तीनों कंट्रीज को मिलाकर, और साथ में दो कंट्री लेनी है, एक तो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी कौन, डेनमार्क, और एक और कंट्रीज है जो नॉर्वियन सी किस किस के बीच में लाई करता है, आइसलैंड के और नॉर्वे के। तो पांच कंट्रीज होगी हमारी, एक आइसलैंड, बर्फ जमी रहती है भाई इस इलाके में, तो इस कंट्री का नाम इन्होंने आइसलैंड ही रख लिया। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। आप देख सकते हो मैंने इस पे सर्कल भी कर रखा है, इन पांच कंट्रीज को मिलाकर ही क्या कहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, NORDIC, नॉर्डिक कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है, ये पांच कंट्रीज को मिला के हम नॉर्डिक कंट्रीज कहेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब बेसिकली जब आप कोई रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आप देखोगे हैप्पीनेस इंडेक्स वाली रिपोर्ट्स वगैरह, तो जो यूरोप की कंट्रीज़ है ये काफ़ी हैप्पी कंट्रीज में गिनी जाती है, यानी यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं अपनी सरकार से, तो यहाँ का ऐसा इलाका है। और देखिए इससे ऊपर आप क्या देख सकते हो, यहाँ सारा बर्फ़ जमी हुई है ऊपर, ये छोटे छोटे जगहें हैं इन पर बर्फ़ जमी हुई है, और ये है क्या, आर्कटिक ओशन, क्योंकि एक तो आर्कटिक है और नीचे क्या होता है, अंटार्कटिक, नीचे क्या होता है, अंटार्कटिक, ये देखो लिख रहा है अंटार्कटिक, ये लिख रहा है ना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो इससे आप देख सकते हो जो ऊपर है वो आर्कटिक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक ओशन। ओशन क्यों कहेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, महासागर है ये, ठीक है भाई। तो आपने देख लिया इन कंट्रीज़ के आसपास क्या लाई करता है, यहाँ पे बीच में नॉर्वेन सी है, एक साइड आइसलैंड है, एक साइड क्या है, नॉर्वे है। इन पांचों कंट्रीज़ को मिला के क्या कहेंगे हम, नॉर्डिक कंट्रीज़। अब आगे बात करते हैं थोड़ी, ये यूरोप का ही हिस्सा है भाई सारा, तो यूरोप में हमने लगभग ये वाला सारा इलाका देख लिया है ऊपर का। अब थोड़ा जूम इन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फिनलैंड से नीचे आके यहाँ तीन कंट्रीज पड़ती है भाई, एक तो एस्टोनिया, एक लाटविया और एक लुथानिया। नाम आप एक दो बार पढ़ो तो याद हो जाएंगे आपको, एस्टोनिया, लाटविया और लुथानिया। अब ये तीन कंट्रीज मैंने क्यों बताई आपको, क्योंकि ये देखिए इन तीनों कंट्रीज को मिला के, इन तीनों कंट्रीज को मिला के क्या कहते हैं हम, बाल्टिक कंट्रीज। जैसे इन पांच कंट्रीज को मिला के क्या कहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, ऐसे इन तीनों कंट्रीज के समूह को क्या कहते हैं हम, बाल्टिक कंट्रीज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बाल्टिक कंट्रीज कौन सी होती है, तो उसमें अगर ऑप्शन में तीनों हो, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो ये क्लिक करना। अब इससे आप समझोगे हम यूरोप में एक सी की बात करेंगे। सी मैंने आपको बता रखा है नमक के पानी का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन काफ़ी, फिर भी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा नमक का पानी, उसको हम सी कहेंगे, और जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो उसको हम क्या कह देंगे, ओशियन। तो इस तरीके से जो बाल्टिक कंट्रीज़ के पास जो पानी लाई करता है उसको हम क्या कह देते हैं, बाल्टिक सी। तो भाई इस वीडियो में आपने ये चीज़ें सीखी कि नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या है, बाल्टिक कंट्रीज़ क्या है, कहाँ पर हमारा बाल्टिक सी है, कहाँ पर हमारा नॉर्वियन सी है, कहाँ पर हमारा आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक कहाँ पर है।
अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये देखिए हमारे पिछले जितने लेक्चर हुए हैं उनमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, ये सारी स्ट्रेट कर चुके हैं हम कवर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और पिछले लेक्चर यहाँ पे लिखे हुए, गल्फ ऑफ एडन मैंने आपको बता दिया, रेड सी, मेडिटेरियन, और ये सारी स्ट्रेट भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्ट्रेट अगर हम कर ही रहे थे तो एक और स्ट्रेट कवर कर लेते आज इसमें हम। ये देखिए ये पूरा रसिया लाई करता है, रसिया कहाँ पर हमारा एशिया में, ठीक है भाई, रसिया हमारा एशिया में। मैंने स्ट्रेट एक ही वीडियो में इसलिए नहीं कराई क्योंकि एकदम कराता तो आप याद ना कर पाते, इसलिए इसको सीक्वेंस में देखो 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है भाई। ये सारा क्या है, एशिया का रसिया है हमारा, और यहाँ पर इधर जाके लाई करता है यूएस से। ये देखिए धरती गोल है तो मैप पर आप कैसे दिखाओगे उसे, इस साइड दिखा दिया उन्होंने, ये यहाँ पर रसिया एंडिंग दिखा दिया और यहाँ पर क्या दिखा दिया, यूएस से। आप समझो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इतना है, ये देखो यहाँ पे लगभग 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स को मिला के बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड यानी एक जगह गठजोड़ करना, तो उन 50 स्टेट्स को मिला के उसका नाम रख दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनमें से ही 50 में से एक स्टेट कौन सी है, अलास्का। तो अलास्का भी किसके अंडर लाई करता है, यूएसए के, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारा इलाका भी किसके अंडर हो गया, यूएसए यानी अमेरिका के अंडर हो गया, यूएसए क्या है, अमेरिका। तो ये इधर क्या आ गया, अलास्का, और इधर क्या है, रसिया की एंडिंग जो मैंने उस साइड दिखाई आपको, दूसरी साइड। तो इन दोनों के बीच में भी जो पानी का एक छोटा सा दरिया है उसका नाम क्या रखा गया है, ये देखिए आप खुद ही पढ़ लीजिए, बेरिंग स्ट्रेट, BERING स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर है तो आप मैप के साइड भी देख लो, चाहे इसको ये लिख रहा है बेरिंग स्ट्रेट। तो समझ गए, इधर अलास्का है, यूएसए का हिस्सा है, और इधर रसिया का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाई करती है वो कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट। तो भाई लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और सीखते जाओ बस।